तो हेलो एंड वेलकम बैक गाइस टू स्पोर्ट्स यार्ड। मेरा नाम है राज, नाम तो सुना ही होगा। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एमएस धोनी के बारे में। एमएस धोनी इस वक्त अपने करियर की खराब फॉर्म में चल रहे हैं, ऐसा लोगों को लग रहा है, और कुछ हद तक उनकी परफॉर्मेंस खराब ही रही है, शायद इसलिए लग रहा है। क्या कर सकते हैं वो एमएस धोनी अपनी फॉर्म लाने के लिए, मैं बताऊंगा। और अभी तुम कमेंट करने से पहले पहले ये वीडियो प्लीज देख लेना, क्योंकि तो मेरे को पता है तुम मेरे से कई ये कमेंट करने वाले हैं कि तू बताएगा धोनी को, तू होता कौन है, तू ये वो। तो प्लीज एक बार पूरी वीडियो देख लेना, उसके बाद जो भी कहना है वो कह देना। तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधा शुरू करेंगे। तो सबसे पहली बात, धोनी इस वक्त आउट ऑफ फॉर्म है या नहीं? बेसिकली मुझे क्या लगता है, धोनी आउट ऑफ फॉर्म नहीं है। वो कंडीशंस के हिसाब से खेलना शुरू कर दिया है। अब बहुत से लोग कह रहे हो कि उनकी इकोनॉमी रेट है वो गिर चुकी है, ये वो, बट वो जहां तक मैंने अब तक देखा है उसके मैच में यही हुआ है ज्यादातर, कि मैच थोड़ा दूर है तो वो कोशिश करते हैं कि हाँ भैया थोड़ा आगे ले जाता हूँ, थोड़ा आगे ले जाता हूँ, बट बीच में आउट हो जाते हैं, जो जिसे हमें लगता है कि वो फॉर्म में नहीं है। फॉर्म देखने का मौका हमें तब मिलेगा जब या तो उन्हें ओपनिंग कराए या फिर नंबर तीन पे खिलाएं, जहां पे उन पे प्रेशर ना हो टीम को जिताने का, उनके नीचे दो चार प्लेयर हो, तब देखते हैं कि धोनी है सच्ची में कुछ नहीं। आईपीएल में इतने अच्छे फॉर्म में नहीं होते तो आईपीएल में इतना अच्छा नहीं खेल पाते। अब बात आती है अगर मान लो वो फॉर्म में नहीं है अभी भी, मतलब कुछ हद तक वो पहले वाले धोनी नहीं रहे, मानो ना मानो कुछ हद तक पहले वाले धोनी नहीं रहे हैं जो कि आते थे बहुत ही अच्छा खेलते थे। और इसके पीछे कारण क्या है, मैं बताता हूँ कारण। कारण ये है कि पहली बात तो उनकी बैटिंग आती है पांचवें छठे नंबर पे, कभी कभार चौथे नंबर पे आ जाती है एक आधी बार, बट ज्यादातर आती है पांचवें छठे नंबर पे, और पांचवें छठे नंबर की बारी आती ही नहीं, या तो आती है तो ऐसी कंडीशन में आती है जहां पे भैया अच्छे अच्छों का जिगरा हिल जाए। वो तो धोनी है, कैसे ना कैसे संभाल लेता है। वो प्रैक्टिस बहुत कर रहे हैं, नेट्स में प्रैक्टिस हर कोई कर रहा है, बट उन्हें मैच प्रैक्टिस नहीं मिलती। और जो कि मैंने क्रिकेट खेला है, जितना तुम कितनी मर्जी नेट्स में प्रैक्टिस कर लो, अगर तुम मैच प्रैक्टिस नहीं करते, मैच नहीं खेलते ना, तो तुम्हें मैच में दिक्कत आएगी ही आएगी जब भी खेलोगे, भले ही तुम पूरा दिन लगे रहो नेट्स में और अगर तुमने मैच प्रैक्टिस नहीं की। ऐसा क्यों? क्योंकि यार देखो नेट्स में क्या होता है, तुम यहाँ पे मार दो तुम्हें क्या पता चल रहा है, अंदाजा लगा दो यहाँ फील्डर होगा कैच ले लेगा, यहाँ पे वो फील्डर नहीं होगा दो रन ले लेगा, बट असलियत ये नहीं है। असलियत में वहां पे इतना सोचा नहीं जाता ना, वहां पे अब नेट्स में तुमने कैच दे दिया तुम आउट थोड़ ना हुए, फील्ड पे कैच दे दिया तो तुम आउट हो गए। और ये सब जैसा कि धोनी का गेम है वो डिपेंड करता है रिफ्लेक्सेस पे। धोनी कोई बहुत ही क्लासिकल प्लेयर नहीं है जो कि कवर ड्राइव मार के कट शॉट मार के, क्लासिकल वाले मारते हैं कट शॉट कवर ड्राइव सब मारते हैं, बट वो वैसे प्लेयर है नहीं, ठीक है, कि हर बॉल पे जैसे कोहली होता है वो बैकफुट पे जाके ऐसे करके छक्का मार देता है, वो उस टाइप का प्लेयर नहीं है। धोनी का गेम है जो एक तरह से देखा जाए तो टेनिस प्लेयर वाला कुल मिला के, तो टेनिस प्लेयर तो उनको चाहिए रिफ्लेक्स, मैच प्रैक्टिस जरूरी है उनके लिए। और ये बात मैं सिर्फ मैं नहीं कह रहा, ये बात गवास्कर ने भी कही थी, सर गवास्कर ने, कि भाई धोनी को इस वक्त मैच प्रैक्टिस चाहिए। और मैच प्रैक्टिस के लिए वो क्या कर सकते हैं, वो कर सकते हैं कि अपनी स्टेट टीम से खेल सकते हैं, स्टेट टीम से खेलेंगे तो उनको मैच प्रैक्टिस मिलेगी, साथ के साथ स्टेट टीम को भी फायदा होगा कि उनको धोनी के साथ खेलने का मौका मिल रहा है। अब ये डिसीजन धोनी का है कि वो खेलते हैं कि नहीं उनके साथ। और प्लस में अब जो है धोनी की जो सपोर्ट होनी चाहिए हर मैच में चौथा नंबर ही होनी चाहिए, क्योंकि वर्ल्ड कप आने वाला है। वर्ल्ड कप हम नहीं चाहते कि वर्ल्ड कप में हम आउट ऑफ फॉर्म धोनी को देखें, हम चाहते हैं वर्ल्ड कप में इन फॉर्म धोनी हो, ताकि हो सकता है कि ऐसी कंडीशन जरूर आए कि मैच फंस गया है और धोनी निकाल ले, तो उसके लिए हमें चाहिए इन फॉर्म धोनी। तो धोनी को अभी से मैच प्रैक्टिस करनी चाहिए और साथ में उनको नंबर चार पे खिलाना चाहिए। मैं नहीं मानता हूं कि वो नंबर एक या दो पे खेलें, क्योंकि उस पे हमारे पास बहुत अच्छे अच्छे प्लेयर हैं, रोहित शर्मा, शिखर धवन, तीसरे नंबर पे विराट कोहली, ये तीनों को हटाने को मतलब बनता नहीं है। अगर ये तीनों हटाते हैं हम तो ये एक तरह से टीम के साथ छेड़छाड़ होगी जो कि गलत है, बट हाँ वो डिजर्व करते हैं चौथे नंबर पे खेलना और उन्हें खेलना भी चाहिए। हालांकि अच्छा नहीं लगता है धोनी भैया को जाके कहना कि सर आपको प्रैक्टिस चाहिए, बट देखो हर बंदे को ना राय चाहिए होती है, धोनी भी एक इंसान है और उनको भी वो भी कई बार फंसते हैं और उनको निकलने के लिए सपोर्ट चाहिए। तो पहली बात तो तुम्हें सपोर्ट करना है उनको, ये नहीं कहना है कि सर आउट ऑफ फॉर्म हो गए वो ये वो, सपोर्ट करना है। और दूसरी बात तुम्हें भी राय देने की कोशिश करनी है कि सर आपको ये मत कहना कि स्पोर्ट्स यार्ड ने कहा था, ये कहना कि सर गवास्कर सर ने भी कहा था कि मैच प्रैक्टिस चाहिए आपको उनके कमेंट में, तो हो सकता है वो इस पर ध्यान दे और मैच प्रैक्टिस करने लगे। जितना मैं जानता हूँ उन्होंने ये देख लिया होगा और शायद इस पर कुछ सोच भी रहे होंगे धोनी, जिस हिसाब के प्लेयर हैं, और हो मेरे को पक्का यकीन है अंडर जो 2019 का वर्ल्ड कप है तब तक धोनी अपनी बेस्ट फॉर्म में होंगे और शायद कुछ मैच विनिंग परफॉर्मेंस भी देंगे। इंडिया इस वक्त अपनी बेस्ट साइड पे है, बस धोनी का फॉर्म में आना, अच्छी फॉर्म में आना, फॉर्म में है बट अच्छी फॉर्म में आना बाकी रह गया, और वो आ जाएं तो फिर भैया मजे ही आ जाएंगे। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूँ तुम्हें ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो कृपया करके लाइक करो, हम 50,000 सब्सक्राइबर के पास पहुंचने वाले हैं, जल्दी जल्दी करो। अगली वीडियो आएगी स्वीप शॉट पे, तो स्वीप शॉट
जैसे तुम कह रहे हो कि भैया ये सब वीडियो नहीं डालते हैं, तो हम डालेंगे, तुम चिंता मत करो, बस तुम सपोर्ट करो, शेयर करो, लाइक करो बस। तो बाय बाय, जय हिंद, हैव ए गुड डे।